Welcome to the world of GK. GK संसार। अभी सब्सक्राइब करें जीके संसार को और दबाएं बेल को सबसे पहले वीडियो पाने के लिए जीके का भंडार इधर है आपका ध्यान किधर है क्योंकि जीके संसार ही है जीके का भंडार नमस्कार दोस्तों जीके संसार में आप सभी का स्वागत है आज हम सब हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत तत्सम तद्भव और शब्द के जितने भी प्रकार हैं भेद हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और जो टॉपिक है ये जो आपका ग्रामर है वो आने वाले आई बी पी एस आर आर बी पी ओ क्लर्क और सी टेट बी टेट यू पी टेट और अदर जितने भी टेट परीक्षाएं आयोजित होती हैं या फिर जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर की जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाती हैं जिनमें हिंदी होती हैं उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप जीके संसार पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जब वीडियो पसंद आए तभी आप लाइक बटन प्रेस करें अदरवाइज आप डिसलाइक बटन प्रेस कर सकते हैं और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं ठीक है तो आइए शुरू करते हैं और आपको एक बात बता दूं कि जीके संसार पे बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है जैसे ट्रिक की जीके ट्रिक की जीके जीएस जीके ट्रिक्स की जीके के की जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं सी टेट बी टेट यू टेट की नोट्स अवेलेबल हैं और आपको साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन और फैक्ट्स अवेलेबल हैं तो आप एक बार जाकर जी संसार की प्ले चेकआउट कर सकते हैं ठीक है तो आइए शुरू करते हैं पहले हम बात करते हैं शब्द की परिभाषा क्या है तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं जो वर्णों के सार्थक मेल होते हैं उसे शब्द कहते हैं या ध्वनि से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहा जाता है ठीक है या तो वर्णों के सार्थक मेल से जो बनते हैं उनसे शब्द कहते हैं या ध्वनि से बने सार्थक वर्ण समुदाय के शब्दों शब्द कहा जाता है ठीक है जो ध्वनि से बने सार्थक वर्ण होते हैं उन समुदाय को शब्द कहा जाता है शब्द का जो अस्तित्व है वो स्वतंत्र रूप से वाक्यों के बाहर होता है जबकि वाक्य के अंतर्गत शब्द जो है वो पद कहलाते हैं ठीक है ठिके? जब वाक्य में कोई शब्द का इस्तेमाल होता है तो उसे पद कहा जाता है जैसे कि राम जाता है ठीक है यहाँ पे राम एक पद के रूप में है शब्द मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं एक सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द ठीक है तो सार्थक शब्द जो होता है जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है वैसे शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं जैसे घर बाजार ठीक है विद्यालय इत्यादि और निरर्थक शब्द जो ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है जिनका प्रयोग स्थान विशेष पर बोलचाल की भाषा में करते हैं उसे निरर्थक शब्द कहते हैं जैसे दनादन फटाफट चटाचट और टनाटन आदि जो शब्द हैं वो निरर्थक शब्द के रूप में जाने जाते हैं और सार्थक शब्द के कुछ भेद हैं उनके बारे में जान लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं ठीक है सार्थक शब्द जो हैं उनकी उत्पत्ति के आधार पर चार प्रकार के होते हैं तत्सम शब्द तद्भव देशी देश शब्द या विदेशी शब्द ठीक है तो अगर तत्सम शब्द की बात करें तो किसी भी भाषा के मूल शब्द या शुद्ध शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं किसी भी भाषा के मूल शब्द या शुद्ध शब्द को तत्सम कहते हैं जबकि संस्कृत भाषा के शुद्ध शब्द को कहते हैं ठीक है जैसे आम्र अंछी कर्पूर इत्यादि जो है वो तत्सम शब्द हैं और जहां तक बात है तद्भव का तो शुद्ध शब्द या मूल शब्द के आधार पर उत्पन्न शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं शुद्ध शब्द या मूल शब्द के आधार पर जो उत्पन्न शब्द होते हैं वह तद्भव तद्भव शब्द कहलाते हैं जैसे आँख आम कपूर आदि ठीक है और देसी या देश शब्द की अगर बात करें तो जिन शब्दों की उत्पत्ति हमारे देश की भाषाओं से हुई है उन्हें देसी शब्द कहा जाता है जैसे लोटा डोरी ढोसा इटली ये सब जो शब्द हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं और विदेशी शब्द जो हैं वैसे भाषाओं से जो शब्द निकले हैं जो कि विदेशी कहलाते हैं यानी कि विदेशी भाषाओं से जो शब्द निकले हुए हैं उन्हें विदेशी भाषा हम विदेशी शब्द कहते हैं जैसे आलमीरा आलपीन इत्यादि नोट संकर शब्द संकर शब्द जो है दो भाषाओं के संयोग से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं दो भाषाओं जो मिलकर जो शब्द बनते हैं उसे संकर शब्द कहलाते हैं ठीक है उन्हें संकर शब्द कहते हैं जैसे रेलगाड़ी इन अक्षरों में दो भाषाओं का समावेश है रेल जो अंग्रेजी है और गाड़ी जो है हिंदी है ठीक है इसे हम संकर शब्द कहेंगे ये चीज़ आप याद रखेंगे कि अगर पूछा जाता है कि संकर शब्द क्या होता है तो दो भाषाओं से मिल जो भी शब्द बनता है उसे हम संकर शब्द कहते हैं जैसे रेलगाड़ी करता इसमें जो है अंग्रेजी जो है वो जाँच है और कृता जो है वो संस्कृत है ठीक है और बनावट की और रचना के आधार पर शब्दों के तीन प्रकार होते हैं रूढ़ शब्द वे शब्द जिन्हें सार्थक खंडों में तोड़ा नहीं जा सकता जो शब्द दो के योग से नहीं बनते रूढ़ शब्द कहलाते हैं ठीक है जिन्हें सार्थक खंडों में तोड़ा नहीं जा सकता या जो शब्द शब्दों के योग से नहीं बनते वह रूढ़ शब्द कहलाते हैं जैसे कल घर आज और होता है यौगिक शब्द तो यौगिक शब्द होता है दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं अर्थात इनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं जैसे विद्यालय विद्या आलय विधानसभा आदि ठीक है अब योग रूढ़ या शब्द योग रूढ़ शब्द या यौगिक रूढ़ शब्द जो होता है उसके बारे में कुछ हम बात करते हैं वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से मिलकर बनते हैं किंतु किसी अर्थ विशेष के लिए ही प्रयोग में आते हैं यौगिक रूढ़ शब्द या योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं जैसे जलज दशानंद चारपाई ये सब जो हैं वो आपको यौगिक रूढ़ शब्द हैं एक चीज़ आप याद रखना कि बहुब्रीहि समाज के जितने भी शब्द होते हैं वह यौगिक शब्द कहलाते हैं बहुब्रीही में जितना भी बहुव्रीहि समास में बहुव्रीहि समास में जितना भी शब्द आएगा वह यौगिक शब्द होता है अर्थ के आधार पर मुख्य रूप से शब्द के तीन भेद हैं अविदा या वाचक जिन शब्दों का अर्थ आसानी से समझ में आ जाता है उसे अविदा शब्द कहते हैं या फिर वाचक शब्द कहते हैं जैसे विद्यालय गांव, देश और दूसरा जो है वह है लाछनिक लाक्षणिक जो है वैसे शब्द जिनका सीधा शाब्दिक या सांकेतिक अर्थ न लेकर लक्षण के आधार पर अर्थ न लेकर लक्ष्य के आधार पर अर्थ लिया जाता है लाक्षणिक शब्द कहते हैं जैसे तुम बिल्कुल गधे हो यहाँ पे गधे शब्द का अर्थ जानवर न लेकर मूर्ख लक्षण के आधार पर किया गया है यह है एक लाक्षणिक शब्द का उदाहरण अब बात करते हैं व्यंजना जिन शब्दों में ना शाब्दिक अर्थ लिया जाता है और ना ही लाक्षणिक बल्कि एक नया अर्थ लिया जाता है वैसे शब्द व्यंजना शब्द कहलाते हैं जैसे एक चोर दूसरे चोर से कहता है कि राम कितनी अंधेरी है यहाँ पर चोरी के लिए अच्छे मौके से हैं ठीक है ठीके? यह आपका हो गया व्यंजना शब्द ठीक है एक चीज़ याद रखना आप यहाँ भी कि कुछ विद्वानों के अर्थ के आधार पर ही शब्दों के चार अन्य भेद बताए गए हैं वे हैं एकार्थी अनेकार्थी पर्यावाची और अविकारी ये भाषा के आधार पे शब्दों के चार भेद रखे हैं और इन कुछ विद्वानों ने अपने तर्क देकर इसे बनाया है रूपांतर के आधार पर अगर बात करें तो इस आधार पर शब्दों के दो प्रकार हैं एक विकारी और दूसरा अविकारी तो शब्द वैसे होते हैं जिनमें लिंग वचन काल कारक आदि के आधार पर परिवर्तन हो जाता है विकारी शब्द कहलाता है ठीक है वैसे शब्द जिनमें लिंग वचन काल कारक आदि के आधार पर परिवर्तन हो जाता है वैसे विकारी शब्द कहलाते हैं जैसे संज्ञा विशेषण सर्वनाम क्रिया आदि ठीक है और अगर अविकारी शब्द की बात करें तो अविकारी शब्द वैसे शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन काल कारक आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता वैसे शब्द जो हैं अविकारी या अव्यय शब्द कहलाता है इसके चार भेद हैं क्रिया विशेषण विषयामाधिबोधक संबंध बोधक अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय ठीक है आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको आने वाले एग्जाम में इससे मदद भी मिलेगी और जल्दी ही मैं आपके लिए और भी वीडियो लेकर आऊँगा तब तक के लिए धन्यवाद